एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का काले हिरण का शिकार वाला केस फिर से गर्मा चुका है। अभी फिलहाल एक इंटरव्यू आया था सलीम खान का, जहां उन्होंने अपने बेटे के बचाव में कहा था कि सलमान खान ने कभी जीवन में कॉकरोच भी नहीं मारा, ऐसे में वो काला हिरण क्यों मारेंगे। लेकिन मामले में नया पेच इसलिए आ चुका है बिकॉज काला हिरण शिकार के कुछ चश्मदीद गवाह सामने आए हैं जो सलमान खान के ऊपर काफी संगीन आरोप लगाते हैं। एक्चुअली करणपुरी में विश्नोई समाज के लोगों ने बताया कि सलीम खान का दावा झूठा है, सलमान खान ने काले हिरण को पकाकर खाया था। बहरहाल काला हिरण शिकार के चश्मदीद हीरालाल जो कि गवाह बन चुके हैं, उनके अकॉर्डिंग जिस दिन उन्हें पकड़ा गया उस रात 3 बजे तक वो जेल में थे। उनके साथी वन विभाग के लोग सलमान खान जेल के अंदर थे और कहना उनका यह कि हम क्यों झूठ बोलेंगे। तब्बू, सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान को लेकर कुल 5 आदमी थे, रात में जेल थे, साथ में वन विभाग के लोग भी मौजूद थे। चश्मदीद ये भी कहते हैं कि सलमान खान ने कोई शिकार नहीं किया, उन्हें 2-3 मुकदमों में सजा क्यों हुई, सलमान खान ने मुंबई से वकील क्यों बुलाए जिनको वो पेशे के लिए लाखों रुपए दे रहे थे। चश्मदीद का कहना तो यहाँ तक भी कि उन्होंने 3 हिरण मारे हैं, सलमान खान ने जुर्म तो किया है, साथ में हमारे समाज ने उन काले हिरण की समाधि बनाई। बहरहाल जो चश्मदीद है उनका कहना ये भी कि सलमान खान के हाथ में हथियार था और हम सब ने देखा कि सलमान खान के हाथ में पिस्तौल थी। रात के 12 बजे हम सब ने सलमान खान का पीछा किया। विश्नोई समाज के एक और व्यक्ति ने बताया कि दिन में वो लोग पिक्चर की शूटिंग करते थे, तभी उन्होंने देखा वहां पर हिरणों की टोली है, जिसके बाद शाम को आकर उन्होंने शिकार किया। सभी को घोड़ा फार्म हाउस पर हिरण का मांस पकाते पकड़ा गया था। अगर सलमान खान ने कुछ नहीं किया होता तो 14 दिन तक हिरासत में क्यों थे, ये कहना है वहां के चश्मदीदों का। अब विश्नोई समाज के लोग अपनी बात पर पूरी तरीके से अड़े हैं कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। मजे की बात है इस पूरे केस में कई लोगों के नाम सामने आते हैं, फिर चाहे वो तब्बू हो, सोनाली बेंद्रे हो, सैफ अली खान हो, लेकिन सलमान खान ही पूरे मामले में लपेटे गए बिकॉज सलमान खान इस पूरे हंटर गैंग को लीड कर रहे थे, ऐसा कहना चश्मदीद गवाह का। हालांकि हम किसी भी गवाह की पुष्टि का दावा नहीं करते, लेकिन जो भी मीडिया में खबरें आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, उनके अकॉर्डिंग सलमान खान के ऊपर विश्नोई समाज काफी खपा है और इस दावे को भी खारिज करता है। सलीम खान कहते हैं उनका बेटा बेगुनाह है। अब सलमान खान ने शिकार नहीं किया तो एक बात तो लॉजिकल लगती है कि आखिर कोर्ट के केस में क्यों उलझे, क्यों उनको 14 डेज तक हिरासत में रहना पड़ा और आखिर अभी तक मामला क्यों चल रहा है। तो विश्नोई समाज की अपनी दलीलें हैं, सलमान खान का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है। सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये सारा मामला कोर्ट के अंदर है, इसलिए इस पर कोई बयानबाजी देना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन सलमान खान के लिए काला हिरण का मामला आज उनके गले की फांस बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई का जो भी गैंगस्टर माफिया एंगल है, जो भी उनको मिल रही धमकियां, वो काले हिरण के बाद ही स्टार्ट हुई। अब सलमान खान को इस मसले पर कोई ना कोई प्रॉपर स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना उनकी लाइफ में काफी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।